रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब पर। गाइस आप देख रहे हैं इस वक्त इना ग्राफिक, तो आई होप आप सब फाइन होंगे, फिट पार्ट होंगे। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, ए प्लस जी लोगो डिज़ाइन प्रोसेस। तो गाइस आप लोगों को बताऊंगा कि आप टू लेटर लोगों को कैसे क्रिएट करेंगे, और वो भी बहुत ईजी मैथड के साथ। इसको थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना था कि आप लोग को एक एक चीज़ की समझ आ सके। सो गाइस फटाफट सबसे पहले अपना स्केच रेडी करते हैं, उसके बाद आप लोग को मिलता हूँ। तो चलें स्केच रेडी करते हैं। तो यहाँ पे पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को यूँ कर देंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको बिल्कुल ऐसे आपने क्रिएट कर लेना है, और पॉलीगॉन को थोड़ा सा स्मॉल कर लेना है स्केच रेडी करने के, ठीक है। और इसको अगर आपको लगे कि ये थोड़ी बड़ी है तो आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे ही इसको क्रिएट कर लेना है। करने के बाद अब इसको ही मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आ सके। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसकी वैल्यू को कुछ यूँ क्रिएट कर देंगे। ओके दैट्स गुड। अब इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, रिफ्लेक्ट में जाकर इसको कॉपी कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो है यहाँ पे इतना रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि अब आप लोगों ने सारा प्रोसेस समझना है कि मैं कहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा, कहाँ पर फिनिश करूँगा, ठीक है। थोड़ा इसको ज़रा डिफरेंट करने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि मैं क्या इसमें डिफरेंट करने वाला हूँ। ये ना कि आप लोग पता नहीं, हाँ ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे स्केच रेडी कर लेना है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल कर लेंगे और इसमें ब्लैक कलर को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटके करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको यूँ ऊपर क्रिएट कर लूँगा। ओके, तो अब हमने ए को क्रिएट करना है, तो ए को हम यहाँ से क्रिएट करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी आज आप लोगों के माइंड में ज़रूर एक बात आ रही होगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज पॉलीगॉन भी यूज़ किया और पॉलीगॉन से बाहर जाके अपना लोगो भी क्रिएट करें। भाई यही तो मैं डिफरेंट आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि इसमें डिफरेंट क्या है। आज मैं पॉलीगॉन के बाहर भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हर लोगों की जो है वो अलग अलग होती है कि सेटिंग होती है कि आप उसको कैसी शेप देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने बड़े केयरफुल रह के अपना वर्क करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट की है, ओके। और दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा और जी को करना है, सो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। थोड़ा इसको शेप इस तरह का देंगे कि ये बिल्कुल रेडी जो है वो जी ही लगे हमें। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ए को भी क्रिएट कर लिया, ओके दैट्स गुड। तो ऊपर भी देख सकते हैं कि हमने एक इसको स्टाइल दे दिया, एक अलग थोड़ा डिफरेंट नज़र आया, ठीक है। तो अभी बिल्कुल मेरा लोगो जो है वो रेडी है। तो अब इसकी मैं एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा, अगर मुझे यूज़ करनी पड़ी तो मैं यूज़ कर लूँगा थंबनेल के लिए, वरना मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो अब अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल लोगो जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसको करेंगे अनग्रुप, सबको अनग्रुप करके इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेना, एक्स्ट्रा लाइन को आपने रिमूव कर देना, इसको आप लेके यहाँ पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें जो है इसकी बीच वाली स्पेसेस को थोड़ा सा फिल कर लेना, ठीक है। थोड़ा इसको पास पास लेके आएंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। देखिएगा मेरा लोगो यहाँ पे बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो ए और जी को हमने आज क्रिएट किया, तो बहुत ज़बरदस्त ये लोगो जो है वो यहाँ पे लग रहा है। अब इसमें अगर आप बैकग्राउंड को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ब्लैक को यूज़ करनी है तो फिर आपने क्या करना है, इसको जो आपका लोगो है उसको आपने क्या करना है, वाइट यहाँ पर कर लेना, ठीक है।
तो अभी अगर आप इस तरह रखना चाहते हैं तो आप इस तरह रख लें, लेकिन बट आपने क्या करना है कि इसका जो है वो कलर अगर ब्लैक यूज़ करते हैं तो ऊपर आपने क्या करना है वाइट। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का टैगलाइन वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। आई होप इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइज़ अगर आप भी अपनी कंपनी का लोगो मेरे से या कोई डिज़ाइन क्रिएट करें या ईमेल दिया वहाँ पे जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है या कुछ आप सीखना चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जरूर सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।